Hi friends, welcome to my channel. I hope you all are doing good. Today I'm going to review a product that is lactocalamine lotion. It is made from kaolin clay और ये paraben free है और ये oily skin type के लिए है और ये 30 ml का bottle है. इसमें 3 sizes आते हैं. एक है 30 ml, 60 ml और 120 ml. 30 ml का price 70 रुपीज़ है. पहले है बहुत सस्ता मिलता था. पहले 2 बॉटल यूज़ कर चुकी हूँ कुछ साल पहले. अब फिर से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ. और एक आता है जिसका क्या ग्रीन कलर का है, वो कॉम्बिनेशन टू नॉर्मल स्किन के लिए है और ये पर्पल का ऑयली स्किन के लिए. लेकिन मेरी स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है, लेकिन मैं इसे यूज़ करती हूँ. पहले मेरी स्किन बहुत ऑयली थी, अब मेरी स्किन कॉम्बिनेशन पे आके रुकी हुई है. कभी कभी ऑयली हो जाती है. अगर आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो तो आप मॉइस्चराइज़र की जगह इस लोशन को यूज़ कर सकते हो. इसका शेल्फ लाइफ 36 मंथ्स है, यानी कि 3 इयर्स. इसमें कैवलिन क्ले है, जिंक ऑक्साइड है और ग्लिसरीन है. कैवलिन क्ले एब्जॉर्ब्स एक्सेस ऑयल टू कीप अवे प्रॉब्लम सच एज पिंपल्स, पैची स्किन, ब्लैक हेड्स एंड डार्क स्पॉट्स. जिंक ऑक्साइड विथ इट्स एंटी जर्म प्रॉपर्टीज हेल्प्स अनक्लॉग पोर्स. ग्लिसरीन रिटेन्स नेचुरल मॉइस्चर, प्रिवेंट्स एक्सेसिव ड्राइंग ऑफ द स्किन. आपको इसे यूज़ करने से पहले अच्छी तरह से शेक करना होता है, वरना वाटरी वाटरी टाइप ही आएगा. इस तरह का बॉटल है, अंदर पीच कलर का लोशन है. मैं आपको हाथ पे लेके दिखाती हूँ. अच्छी तरह से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है. और अगर आपको एक्सेसिव ऑयल आता है तो आपको ये एक्सेसिव ऑयल से प्रोटेक्ट करता है 2 to 3 आवर्स के लिए. इसे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है. और एक आपके स्किन में एक ब्राइटनिंग लुक आता है इसे लगाने के बाद. अगर आप ऐसे ही कहीं जा रहे हो तो आपको कुछ मेकअप करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. बस इसे लगा लो और उसके ऊपर एक सनस्क्रीन लगा लो. अगर आप घर में भी रहते हो तो आप बस इसे लगा लो और उसके ऊपर एक सनस्क्रीन यूज़ करो. इसमें जो कैवलिन क्ले है ये सच में आपके एक्सेसिव ऑयल को प्रोटेक्ट करता है. और जब एक्सेसिव ऑयल प्रोटेक्ट होता है तब ऑटोमेटिकली आपके स्किन पे पिंपल्स भी आना बंद हो जाता है. अगर आपको पहली बार ट्राई करना है तो आप इसी तरह का 30 ml का ही बॉटल करो. इस लोशन में सब कुछ अच्छा है, लेकिन सिर्फ मुझे इसमें एक ही कॉन नज़र आया है. वो है कि लोशन को निकालते वक्त कभी कभी ज़्यादा क्वांटिटी भी आ जाती है, इसलिए थोड़ा ध्यान से निकालना पड़ता है. अगर इस लोशन को निकालने के लिए पंप या कुछ होता तो बहुत अच्छा होता था. अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना. मैं देख रही हूँ कि आप लोग वीडियोस तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं और आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आ सकूँ. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.